नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कारवादी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पुर्तगाली कैसे भारत में आए, उसके बाद उनकी फैक्ट्रीज पढ़ी, उनके गवर्नर्स पढ़े अपन ने। आज हम पढ़ेंगे बाकी के दो, यानी कि हमने पढ़ लिया है पुर्तगाली, फिर डच, अब पढ़ेंगे हम ब्रिटिश और फ्रेंच। देखते हैं, देखो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जो आए उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1600, ठीक है। इसकी स्थापना में 217 सदस्य थे, 217 लोगों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इन सदस्यों में एक थी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भी इसमें, एलिजाबेथ भी इसमें शामिल थी, याद रखना। जो ये 217 लोग थे, इनमें से एक निदेशक होता था, एक उपनिदेशक, एक डायरेक्टर, एक डिप्टी डायरेक्टर और 24 सदस्य होते थे इसमें। एक समिति थी, यानी कि इसे कंपनी की एक समिति बनाई गई, समिति समिति में एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे, ठीक है। इन सदस्यों का भी जो निर्धारण है वो उनके शेयर्स के आधार पर होता है, याद रखना कितने परसेंट उनके शेयर है, ठीक है। और ये समिति जो किसके माध्यम से चलती थी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ये चलती है। अब देखो इस कंपनी की स्थापना हुई, नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, स्थापना कब हुई थी 1600 में, याद रखना है। एक कंपनी ये थी, ये भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, संयुक्त उपक्रम थी, संयुक्त उपक्रम, याद रखना है, क्योंकि इसमें सदस्य है 217 सदस्य, यानी लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट कंपनी बनाई। और कोई पूछे थे पहली ज्वाइंट कंपनी कौन थी, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये भी सही उत्तर होगी, याद रखना। अब देखो सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी ने 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ, स्पेशली भारत, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। 1600 के अंदर इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी, अभी 15 वर्षों के लिए दी, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो ये भारत कैसे आएंगे, जो भारत जो पहला व्यक्ति आएगा इस कंपनी के माध्यम से वो आएगा कैप्टन हॉकिंग्स आएगा। बात है 1608, यहां था जॉर्ज जेम्स फर्स्ट, इसने एक पत्र हॉकिंस, हॉकिंस, हॉकिंस को देखे भेजा, किसके नाम, अकबर के नाम, कब देखे भेजा, 1605 में। ये हॉकिंस पोस्ट कब है, यहां पे 1608 में, लेकिन तब तक क्या था, अकबर पधार चुका था स्वर्गलोक, कौन था अकबर की जगह, जहांगीर, याद रखना, उस टाइम पर किसका राज था, जहांगीर,
फोर्थ बजा विलियम हॉकिंस, हॉकिंस आएगा। किसका पत्र लेके आया था? इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का। कब आया, निकला कब? 1605 तक पहुंचा कब? 1608। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय कंपनी के लिए अनुमति मांगना, कंपनी की फैक्ट्री स्थापित करना, फैक्ट्री स्थापित करना, इसकी अनुमति लेने आए थे, याद रखना। लेकिन जागीर ने क्या कहा कि फैक्ट्री की अनुमति तो साहब हम नहीं देंगे, आप मनसा ले लो। तो हॉकिंस को 400 का मनसब दिया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब दिया गया। कहा जाता है कि उसने जहांगीर के साथ इसने तुर्की भाषा में बात की, तुर्की भाषा में संवाद किया, बात की। कुछ कहते हैं फारसी भाषा में बात की, लेकिन सही आंसर तुर्की है। तो क्या अनुमति नहीं मिली जहांगीर के द्वारा? स्थापित करना चाहते थे सूरत के अंदर, अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन इन्होंने क्या किया, 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री डाल ली, लेकिन उसे भी आज्ञा नहीं मिली, याद रखना। सूरत में पहली फैक्ट्री, लेकिन अभी परमिशन नहीं मिली है, परमिशन नॉट ग्रांटेड, याद रखना। और यहां पर एक जगह है मसूलीपट्टनम, यहाँ पर 1611 में फैक्ट्री स्थापित। अगर कोई पूछे कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, कब स्थापित हुई, तो ये तो मसूलीपट्टनम में 1611 में। और वैसे भारत में कब स्थापित हुई, तो वो हुई थी 1608 में। अगर पूछे कि अनुमति कब मिली, तो अनुमति मिली थी 1613 के अंदर, लेकिन स्थापित कर ली थी बिना अनुमति के 1608 में। ये फैक्ट्री क्या है बेसिकली? फैक्ट्री कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर मॉल कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, नहीं, आज की फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री का मतलब गोदाम, कारखाना, क्या बोलते हैं, गोदाम है, गोडाउन, जहाँ पर माल को रखा जाता है और वहां से भेजा जाता है, ये फैक्ट्री का मतलब यह है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इस नोट डाउन करो। आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं, सुनहरा फरमान जो ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक से प्राप्त हुआ। देखो इंडिया क्या है, यहाँ पे है गोलकुंडा, यहाँ के शासक कहलाते थे कुतुबशाही, शासक क्या कहलाते थे, कुतुबशाही। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 1631 के आसपास एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया, एक गोल्डन फरमान। इसमें क्या था, इसमें 500 पेगुड़ा के बदले, 500 पेगुड़ा के बदले जो ये आसपास वाले एरिया है, यहाँ की जमींदारियां करमुक्त व्यापार करना, करमुक्त व्यापार करना, गोलकुंडा में एक जगह है मसूलीपट्टनम, यहां पर क्या करना, कर मुक्त
व्यापार करना उनका प्रमुख उद्देश्य था इनका। इस फरमान के जरिए 500 पेगुड़ा उनको चुका दिए तो उसके बदले उन्होंने क्या किया, मसूली पट्टनम में कर मुक्त व्यापार करेंगे उसके आसपास वाले एरिया में। ये गोल्डन फरमान था कंपनी के लिए, ये कहां से प्राप्त हुआ था, क्योंकि मसूली पट्टनम में कुतुबशाही शासकों के अंदर नहीं आता था, ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पर एक जगह है मद्रास जिसे आज चेन्नई कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। यहाँ पर यहाँ के राजा थे, मद्रास टाइम तक कोई सिटी नहीं थे याद रखना, यहाँ पर है चंद्रगिरी, उसके अधिकार में थे मद्रास वाला एरिया। तो मसूलीपट्टनम से एक व्यक्ति एक अंग्रेज चंद्रगिरी के राजा के पास आता है और कहता है कि साहब हमें मद्रास वहाँ आसपास का एरिया किराए पे चाहिए। वो बात है सन 1639 की। तो चंद्रगिरी के राजा ने क्या किया, मद्रास को उनको किराए पर दे दिया अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने मद्रास को क्या किया, मद्रास को 1640 के आसपास आते आते आसपास के एरिया पर कब्जा कर लिया, मद्रास के आसपास के एरिया पर। और यहां पर क्या किया, एक फोर्ट का निर्माण किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो मद्रास प्रेसिडेंसी बना ली और आयरकूट को यहाँ का प्रमुख बना लिया, याद रखना। चंद्रगिरी के राजा से लीज से प्राप्त किया, 1640 तक आते आते आसपास के एरिया पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर एक किले का निर्माण कर दिया अंग्रेजों ने, याद रखना। अब देखो यहाँ पे देखो एक टापू है मुंबई, मुंबई अंग्रेजों के हाथ में आने से पहले ये पुर्तगालियों के अंडर में था, याद है। मुंबई एक द्वीप है, द्वीप जिन्होंने जिसने जिसको अंग्रेजों ने विकसित किया था। बात है सन 1661 की। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, इनका क्या हुआ, आपस में विवाह हो गया, शादी हो गई। तो पुर्तगाली ने क्या किया, ये मुंबई ये द्वीप है ये चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया, दहेज में दे दिया पुर्तगालियों को, याद रखना मुंबई को। तो चार्ल्स सेकंड ने क्या किया कि 10 पौंड वार्षिक कर के बदले ये जो मुंबई है ये किसको दे दिया, ये अंग्रेजों को दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कि चार्ल्स सेकंड ने सोचा कि मैं क्या करूंगा इस द्वीप का मुंबई का, ऐसा काम करो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के अंदर है, आप ले लो इसे, मुझे 10 पौंड प्रतिवर्ष चुका देना मेरा किराया। तो क्या किया, 10 पौंड वार्षिक के बदले चार्ल्स सेकंड ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब क्या है आगे की जाकर 1687 के आसपास जो अंग्रेजों का पहला मुख्यालय था सूरत, सूरत से ट्रांसफर होकर वो मुख्यालय बन गया मुंबई, मुंबई बन गया, याद रखना। तो मुंबई के एक चीज़ पर एक नई प्रेसिडेंसी बनेगी, आगे जाकर वो अंग्रेज मुंबई का काफी विकास करेंगे, याद रखना। अगला चलते हैं हम कलकत्ता की ओर, देखो ये कलकत्ता ही वाले बंगाल। बाद है सन 1651, यहाँ के जो सूबेदार था सासुजा, क्या नाम है सासुजा, इसने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले उड़ीसा
और बिहार में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले। अब क्या हुआ कि कर मुक्त व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर ये क्या करेंगे, अंग्रेज काफी उत्पात करेंगे बंगाल वाले एरिया में। तो इसके खिलाफ उस टाइम पर शासक था औरंगजेब, 1687 में बंगाल में क्या होगा, औरंगजेब आक्रमण करेगा दिल्ली से, क्योंकि ये काफी लूटपाट कर रहे थे बंगाल वाले एरिया में। तो अंग्रेज औरंगजेब इनको सबक सिखाएगा। उसके बाद क्या हुआ, क्या होगा कि 1690 में एक व्यक्ति है जोग चारणों, चारणों के हैं, चारणों, वो क्या करेगा, वापस से किसके पास जाएगा, औरंगजेब के पास जाएगा और क्षमा याचना करेगा और वापस से एक फैक्ट्री स्थापित करने की बात करेगा। अब देखो 1698 में बंगाल का जो प्रमुख था उसका नाम है अजीम शान, इसने सूती नाता, कोली काता और गोविंदपुर, याद रखना तीन जगह, सूती नाता, कोली काता और गोविंदपुर की क्या दे दी, जमींदारी, जमींदारी किसको दे दी, अंग्रेजों को दे। यहीं पर आगे चलकर 1700 में अंग्रेजों द्वारा एक फोर्ट की स्थापना की जाएगी, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। इस प्रकार जो पहली प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी है कलकत्ता प्रेसिडेंसी वो अस्तित्व में आएगी। ठीक है, ये था, इसके बाद आगे पढ़ते हैं थोड़ा, इसको नोट डाउन करो तो समझ में आए तो बुझाना। हाँ के देखो, सत्रह सौ पंद्रह सरमन मिशन, बंगाल से एक मिशन जाएगा दिल्ली में। उस टाइम पर दिल्ली में शासक था फर्रुखसियर, सरमन मिशन जाएगा, जिसके सदस्य थे एक सरमन व्यक्ति था, ठीक है, इसके नेतृत्व में नेतृत्व करता हूँ। एक व्यक्ति होता है हैमिल्टन, क्या नाम था, हैमिल्टन, ये तो एक सर्जन था, ये एक दुभाष और था, ठीक है। इसको उद्देश्य क्या था इस मिशन का, इसको उद्देश्य था कलकत्ता की आसपास की जमीन प्राप्त करना व सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त करना, ये उद्देश्य था। अब क्या है कि इस ये सज्जन है हैमिल्टन, इसने उस टाइम जो बादशाह था उसका नाम था फर्रुखसियर,
फर्रुख शियर मुगल बादशाह, इसके एक रोग था, उस रोग को क्या कर दिया, इसने ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद क्या हुआ कि इसने अंग्रेजी में कुछ रियायतें दे दी। उसने क्या किया, देखो फर्रुख शियर ने एक शाही फरमान जारी किया। अब देखो शाही फरमान, देखो इसने 3,000 रुपए के बदले, 3,000 रुपए के बदले वार्षिक बंगाल, उड़ीसा और बिहार की क्या दे दी, जमींदारी नहीं, मुक्त व्यापार करने का अधिकार। इसे दस्तक दे दिया, एक पास जारी कर दिया फर्रुख शियर ने अंग्रेजों के लिए, क्या इन क्षेत्रों में फ्री में ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ 10,000 रुपये वार्षिक के बदले सूरत में फ्री व्यापार कर सकते हो। इसके अलावा आप मुंबई में क्या कर सकते हो, सिक्के डाल सकते हैं, सिक्के डालने का अधिकार दे दिया। और ये जो सिक्के हैं, इसको मुगल क्षेत्र में, मुगल क्षेत्रों में चलाने की अनुमति भी दे दी। मैं आप सिक्के डालिए मुंबई में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम मुगल क्षेत्र में भी लागू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस फरमान में दिया गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कंपनी का, इस फरमान को क्या कहा जाता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा। याद रखना, पूछ सकता है कहीं भी, कभी भी, कहीं भी कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। 1717 का, ये कब कब दिया गया था, ये 1717 में, मिशन कब किया था वहां पे, 1715 में, जारी कब किया गया, 1715 में शाही फरमान, 1717 में क्या क्या प्रावधान थे, 3,000 रुपए के बदले में बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति, अधिकार दे दिया, अधिकार ही। इसके लिए क्या जारी किया गया, दस्तक जारी, दस्तक क्या होता था, एक पास होता था, फ्री ट्रेड पास होता था। दस्तक 10,000 रुपये के बदले सूरत में फ्री व्यापार कर सकते हो आप, मुंबई में सिक्के डाल सकते हो, उस सिक्कों को हम मुगल क्षेत्र में भी जारी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, याद रखना है, नोट डाउन कर लो उसे, इम्पोर्टेंट है। नोट डाउन कर लिया इसे, आगे देखो। ये रही अंग्रेजों की बात कि अंग्रेजों ने किस तरह से इंडिया में अपने पैर जमाए। अब देखेंगे पैर तो पूरी तरह जमाने, मतलब इंडिया में उन्होंने अपने पैर जमा लिए, अब पूरी तरह नहीं जमाए लेकिन हाँ कदम रख दिए उन्होंने, इंडिया में कदम रख दिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जमाए हैं पूरी तरह से। अब आगे पढ़ेंगे हम, जब प्लासी और बक्सर कहीं तो पढ़ेंगे तब जाएंगे उनके पैर जमेंगे इंडिया के अंदर, अभी उन्होंने कदम रखे हैं इंडिया के अंदर। अब देखिए एक कंपनी और है, डैन कंपनी, डैनिश, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों ये देख लो,
ठीक है, एक जगह है तमिलनाडु और एक जगह बंगाल में सीरम, यहाँ है ट्रांकेबार। ट्रांकेबार कहाँ है? तमिलनाडु। यहाँ पर 1616 में उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, याद रखना। और यहाँ पे की थी 1676 में। इसके बाद क्या हुआ, 1745 में क्या किया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सारी फैक्ट्रियां बेचकर यहाँ से चल दी, कल की मार ली डेनिश में, कोई इंपोर्टेंट नहीं है यार। मैं 1616 में तो आए थे वो, तो करो वो 1620 में स्थापित की थी और 1616 के अंदर इंडिया में आए थे। उन कंपनी की स्थापना 1616 में, ये याद रखना, कंपनी की स्थापना 1616 में। और पहली फैक्ट्री की थी 1620 में, दूसरी 1676 में सीरमपुर कायम बंगाल में। और 1645 में क्या किया, 1745 में सारी फैक्ट्री किसको बेच दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्रेस चल दी, ठीक है, पूछ ले तो कभी, बस से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। याद है कि डेनिश भी इंडिया आए थे, फ्रेंच भी आए थे, पुर्तगीज भी आए थे और अंग्रेज भी आए थे। अब देखो पढ़ रहे हैं, फ्रेंच इंडिया कंपनी, फ्रेंच फ्रेंचों के बारे में, यानी फ्रांसीसी, फ्रांस सी सी सोलह 1763 फ्रांस का जो सम्राट था लुई XIV, याद रखना, इनका एक मंत्री था कोलबर्ट, मंत्री कोलबर्ट, इनकी सहायता से 1663 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जो उसका नेतृत्व, जो नेतृत्व करता था, उसके बारे में देखो, कंपनी का नाम है द इंड ओरिएंटल कंपनी, द इंड ओरिएंटल कंपनी कोलबर्ट के सहयोग से हुआ, 1664 में हुआ। और ये देखो कि किसके नेतृत्व में होगा, उसका नाम है फ्रेंको केरो, केरो के नेतृत्व में। हाँ देखो, इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, कब, 1668। अंग्रेजों ने कहा पे स्थापित की थी, अंग्रेजों ने भी सूरत में की थी और फ्रांसिसियों ने भी सूरत में की थी। इसके अलावा इन्होंने मसूली पट्टनम में, जगह है मसूली पट्टनम, यहाँ पर सेकंड फैक्ट्री स्थापित की थी। दक्षिण भारत में पूछे लिखा है मसूली पट्टनम, अंग्रेजों ने मसूली पट्टनम और सबसे पहले सूरत में 1668 में 64 में कंपनी बनी थी। इसके अलावा इनके क्षेत्र देखो, इसके क्षेत्र है केरल, जगह माहे, ये इनकी क्षेत्र है, माहे माहे में भी इनकी फैक्ट्री थी। इसके अलावा बंगाल में भी थी इनकी फैक्ट्री, हुगली में, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इनके बारे में, फ्रांसीसी के बारे में डिटेल में हम जब आगे फ्रांसीसी युद्ध पढ़ेंगे, स्पेशली इंडिया के अंदर इस संदर्भ में वो कहे जाते हैं कर्नाटक वॉर,
प्रथम कर्नाटक और द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक और इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो फ्रेंच के बारे में ज्यादा डिटेल मिलेंगे हमें। इतना याद रखना है कि कंपनी की स्थापना 1664 में, पहली फैक्ट्री सूरत में और दक्षिण भारत में मसूरीपट्टनम में, और माहे और बंगाल में इनकी फैक्ट्रियां थी। माहे का केरल में ही। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जगह और है यहीं पर, पांडिचेरी का नाम सुना होगा आपने। पांडिचेरी ये भी इनकी जगह थी। पांडिचेरी का विकास फ्रांसीसियों ने किया था। ये भी इनकी फैक्ट्री थी। मद्रास का मद्रास बंगा और कलकत्ता का पूछा जाए तो अंग्रेज, पांडिचेरी का पूछा जाए तो फ्रांस। ओरिएंटल है, ओरिएंटल नहीं, ओरिएंटल, वही ओरिएंटल, ओरिएंटल मैंने कर लिया। ओरिएंटल कंपनी, द इंडो ओरिएंटल कंपनी। और ये याद रखने की जो कंपनी थी ये क्या थी, ये सरकारी कंपनी थी, प्राइवेट नहीं थी। सरकार का क्या था, सरकार का हस्तक्षेप इस कंपनी के अंदर अंदर, जिसकी वजह से ये इंडिया में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए, याद रखना। और ये भी याद रखो इस कंपनी के बारे में कि 1761 के बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों से अंतिम रूप से पराजित हुए। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज अंतिम रूप से पराजित हुए थे। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने इंडिया में विस्तार करना छोड़ दिया था। इसके बारे में पढ़ेंगे जब एक आए, एक गवर्नर जनरल आएगा इनका, उसका नाम है लाली, जो लाली जिसके वजह से ये युद्ध में हार गए। उससे पहले एक और गवर्नर डुप्ले आएगा, गवर्नर जनरल जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में काफी उसका एक्सटेंड करेगा, प्रसार प्रसार करेगा, उसकी शक्ति को बढ़ाएगा, वो है डुप्ले। उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, अभी अभी फिलहाल इतना ही नोट डाउन कर लो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो 18वीं सदी थी उसमें जो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसके साथ साथ जो नए क्षेत्रीय राज्य का उदय हो रहा था, उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसमें अपना रहेगा अवध रहेगा, स्पेशली बंगाल रहेगा और मैसूर रहेगा, और मराठा साम्राज्य के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। और इसके बाद जानेंगे कि इस प्रकार से मुगल जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे उनका किस एक के बाद एक आ रहे हैं वो, उनके नाम क्या, उनके कालक्रम क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन कि बंगाल में इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दिए थे। इसमें प्लासी का युद्ध आएगा इम्पोर्टेंट, बक्सर का युद्ध, और जो कर्नाटक वाला दक्षिण वाला एरिया है इसमें हम तीन कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद एक एक करके जो भारतीय राज्य क्षेत्र है उसको किस प्रकार कंपनी द्वारा हड़प लिया जाता है, अपने अंडर कर लिया जाता है, और किस प्रकार सहायक संधि थोपी जाती है, राज्य हड़प नीति का पालन किया जाता है, और क्रांति किस प्रकार होती है, उसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।